बक्सर में। बिहार के चुनाव को लेकर पूरा मुख्यधारा का मीडिया जिस तरह की तस्वीर पेश करता है उसमें बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ जाति आधारित चुनाव होते हैं, मानो जाति बिहार के अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर आए उनका जो दुख दर्द है वह भी मुद्दा बना हुआ है, या जो बेरोजगारी की समस्या है वह एक मुद्दे में तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ है, और अलग अलग धर्मों या अलग अलग जाति समूहों के लोगों की क्या सोच है, किस तरह से जो भिन्न समूह खड़े हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ खड़े हुए हैं, छोटे और बड़े दोनों ही, वे किस ऑडियंस को, किन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव सरकार। तेजस्वी यादव, आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रघुनाथपुर कुआ मंडरा पैसी पंचायत। आपके वहाँ से विधानसभा में कौन चुनाव लड़ रहे हैं? तंबू यादव। तंबू यादव है लालटेन विधानसभा, लालटेन से। और चक्कर किससे है? वो किससे है? निर्दलीय है। राजेंद्र यादव मेरा नाम है और बक्सर की विषय मित्र धरती पर आपका स्वागत है। और रही बात चुनावी माहौल के बारे में, तो पूरे बक्सर के सारे ग्रामीण क्षेत्र इलाका एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा है। जैसे आपको त्रेता युग में जो राम जी थे और कल युग में राम जी का चर्चा हो रहा है, राम जी सिंह चप्पल छाप 8 नंबर स्थान पर जीत रहे। कारण क्या है? लगभग 16,000 लोगों को ब्लड देना, जो 10 वर्षों से एक निर्दलीय खड़े हैं और ये भारी मतों से जीत रहे हैं, राम जी सिंह जीत रहे हैं। इस बार क्या होगा ये बताएं? इस बार परिवर्तन जनता चाह रही है। लेकिन जो टीवी वाले हैं, टीवी में जो आ रहे हैं सर्वे, वो तो दिखा रहे हैं कि गठबंधन ही, ये नीतीश और मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, सर्वे का हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। मैं अपने बक्सर जिला के बारे में बता सकता हूँ कि बक्सर जिला में किसी तरह का नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। सिर्फ उनके शासनकाल में दारू जी का आया, अब पुलिस प्रशासन और जो भी है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अच्छा भैया, ये बताइए कि आप तो कारोबार करते हैं, कारोबार की क्या स्थिति है? लॉकडाउन का क्या असर पड़ा? बहुत से लोग नौकरी और लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में मैडम ये है कि हम लोग का थोड़ा स्लो चल रहा है बिक्री, एग्री मंदा चल रहा है, एग्री हम लोग का बिजनेस भी थोड़ा लो चल रहा है। क्या ये मुद्दा है, लोग इससे परेशान हैं या खाली ऊपर ही ऊपर है? बहुत परेशान है लोग, गरीब आदमी खाने के लिए बहुत है, परेशानी है। तो लोग वोट देते समय याद रखेंगे, कई बार होता है ना वोट परेशानी रहती है लेकिन वोट किसी और पर पड़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ हम लोग परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन करना चाहते हैं। और रहा कोरोना काल के परिस्थिति का, तो कोरोना काल के परिस्थिति इतना दयनीय कर चुका है और कोई नीतीश कुमार भी यानी बिहार सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। और कोरोना काल में ये घर से बाहर भी नहीं निकले हैं कि क्या हमारे बिहार के कोरोना काल में गरीब के परिस्थिति के क्या दशा हुई है। जो दिल्ली से बॉम्बे से पैदल चला है अपना बाल बच्चा लेकर के, मोटरी लेकर के, उस टाइम सरकार कहाँ थी? उस टाइम सरकार को ये सोचना चाहिए ना, जब हम आज लेकिन अभी तो आपके शहर में बक्सर में एक पोस्टर, आपके बक्सर में पोस्टर लगा है जिसमें मोदी जी ने कहा है कि हमने सब बिहारी को घर घर पहुंचाया। कहाँ पहुंचाए हैं? जो पैदल आया, साइकिल से आया, ठेला पर लाद करके आया, उसको नहीं देखे हैं? कोरोना से कम भूख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हम खुद कंट्रेक्टरी लाइन में काम करने वाले हैं, हम खुद जो कि आज मार्च में हम बैठे हुए हैं घर पर, हम 20,000 रुपया पेमेंट लेते हैं, आज हमारा काम बन रहा है, हमारा 20,000 रुपया कौन देगा हर महीना? क्या किए हैं मोदी जी? नीतीश कुमार तो मना कर रहे थे बिहारियों को अंदर ना आने दिए, तो मना कर रहे हैं। हम ही नहीं है, हमारा बिहार का कितना गरीब
जनता पब्लिक कहा है कि जो बाहर में जाकर के 10,000 रुपया पेमेंट कमा रहा था आज वो बंद कर दिया गया। बाढ़ की स्थिति आया तो बाढ़ के समय भी नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे कर अपने आप जो है कि फिर अपने घर में चले गए। उसके बाद जनता के बीच में कोई परिवर्तन या कोई तरह का बात कहने के लिए रोड पर नहीं आए। हम भी अपने घर के गार्जियन हैं तो जो अपना घर घर में हम चाहेंगे वही होगा। और हमारा भाई है, चाचा है, जो भी है, हम गार्जियन है तो जो हम चाहेंगे वही होगा। भारत में हमारा मोदी जी का सरकार है, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं तो वो बतलाएंगे, जनता जवाब देगी। मुद्दा तो बहुत है, कोई के राशन कार्ड नहीं बनता है, कोई को रोजगारी नहीं मिलता है, कोई को क्या नहीं मिलता है, बोलते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता है कुछ नहीं मिलता। जैसे नीतीश जी ने कहा कि भाई 15 साल का उनका शासन है, बाकी दूसरी तरफ महागठबंधन है। नीतीश जी बोलेंगे तो आप आपका खाता में 0 बैलेंस में इतना पैसा डालेंगे, इतना डालेंगे, डालेंगे, एक भी नहीं आया है खाता में, नहीं आया है। खाली बोलने से थोड़ी होता है, डालो तब तो हम लोग जानेंगे, है तो पैसा आता है तो नहीं आता है। नीतीश जी भी वही बोले, मोदी जी भी वही बोलते हैं। अब लालू जी 2 करोड़ नौकरी दिए थे मोदी जी, आपको नौकरी मिल गया? नौकरी नहीं मिला है। हाँ, हमारा फैमिली है विकलांग हो गया, बीए तक पढ़ी हुई है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा, क्या करेंगे, इसमें क्या रखेंगे? और इसमें वोट के मुद्दा के क्या बात करना है? ये लोग खासी अपने के लिए जीत रहे हैं, अपने जेब भर रहे हैं, दूसरे को नहीं देख रहे। गरीब मर रहा है तो जी रहा है, वो कोई नहीं देख रहा। देखिए रोड पे आप क्या काम करते हैं? हम तो अभी किसान लोग हैं, किसानी काम करते हैं। बिहार के चुनाव में एक नया ट्विस्ट आया है, वह ट्विस्ट है भाजपा का नया पोस्टर, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और नीतीश गायब हैं। यह ट्विस्ट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इसमें छिपा हुआ है कि किस तरह से बिहार की जनता का आक्रोश जो नीतीश सरकार के खिलाफ उमड़ रहा है, वह कहीं भाजपा के लिए भी नुकसान ना हो जाए। नया पोस्टर में सीधे सीधे लिखा है, भाजपा है तो भरोसा है। और इसकी कड़ी एक तरफ जुड़ी हुई है चिराग पासवान के पूरे एपिसोड से। आप देखिए लोग किस तरह से बात कह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को किस तरह से भाजपा इस्तेमाल कर रही है नीतीश के खिलाफ असंतोष को जगह देने के लिए, और वोटों में ये किस तरह से तब्दील होगा यह अलग बात है। लेकिन फिलहाल इस समय नीतीश और भाजपा दोनों के समर्थक जो हैं, दोनों के जो वोटर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, वे वोकल नहीं हैं। वहीं जहां महागठबंधन और बाकी दलों के जो समर्थक हैं वे बहुत वोकल हैं, वे खुल के बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं। और यहां एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है, सब याद रखा जाएगा कि हिसाब से बिहार की जनता ने भूला नहीं है वह दर्द, उसे याद है वह दुख दर्द जो लाखों मजदूरों के पैरों से टपका था। महिलाएँ किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर बिहार की धरती में वापस आई थी। और इसमें भाजपा का जो एक पोस्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है कि हर एक बिहारी को सुरक्षित घर पहुंचाया, लोगों का कहना है कि यह पोस्टर जले पर नमक की तरह है। सवाल निश्चित तौर पर आज की तारीख में ये बना हुआ है कि ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे वाकई चुनाव में तब्दील होंगे कि नहीं, वोटों में तब्दील होंगे कि नहीं। चुनावी मुद्दे तो ये बन गए हैं, लेकिन जब मतदाता वोट डालने जाएगा तब उसके दिमाग में कौन सा मुद्दा ऐसा होगा, किस तरह से जो बयार बहेगी वह क्या वाकई बिहार में तब्दीली लाएगी कि नहीं। इस समय एक चीज़ और बहुत दिलचस्प है, वह है हैशटैग क्या बा बिहार में। यह हैशटैग इस समय बहुत वायरल है, कुछ भी आप पोस्ट डालिए, कुछ भी आप गाना डालिए, सब का बा बिहार में यही चल रहा है। और मतदाताओं का कहना है कि बिहार में ज़मीनी जो मुद्दे हैं उनकी बयार है, बदलाव की बयार है। यह बयार किस तरह से 10 नवंबर में परिलक्षित होगी वोटों में, परिवर्तन में, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन कम से कम इस बात की राहत है कि
कि जो मुद्दे बिहार की राजनीति में होने चाहिए थे वह मुद्दे अभी तक जिंदा हैं और शायद नीतीश और भाजपा समर्थक सरकार के लिए नासूर बने हुए हैं। Thank you.